तो यार BGMI के टिप्स एंड ट्रिक्स दो पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये तीसरा वाला करते फर्स्ट ट्रिक की बात। ये वाली स्किल अपार्टमेंट के अंदर निकल के आ रही है, तो इसके लिए तुमको अपनी स्पीड पावर एक्टिवेट करना है, देन यहाँ से एक जंप लगाना है और अपने यहाँ पे डेस वाले बटन को दो बार यहाँ पे रन करना है एंड बूम बम। सीरियसली जो भी होता है यहाँ पे बेटा था उसको इजी पीजी मैंने मार दिया और सरप्राइज अटैक दे सकते हो बंदे को। तो ये वाली ट्रिक कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना और इसके लिए तो लाइक कर। तो करते हैं अगली ट्रिक की बात। जैसा कि पता है कि न्यू अपडेट के अंदर एक फ्लाइंग कार ऐड हो चुकी है, जिससे बचने के लिए तुमको जस्ट कुछ नहीं करना होता। अगर मान लो कोई भी एनिमी तुम्हारे सामने आ रहा है ऐसे कार्ट भगा के, तो तुमको प्रोन वाले बटन पे क्लिक करना है एंड बूम बाम, एक भी % डैमेज नहीं होगा। अगर तुम यहीं खड़े रहते ना तो तुमको पूरा का पूरा कुचल के चले जाता, पर अगर प्रोन कर दोगे तो तुमको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भाई ऑफकोर्स इस गाड़ी के टायर नहीं होते तो ये ऊपर से निकल जाती है इस तरीके से। तो ये वाली ट्रिक भी यूज करना और कमेंट बताना कैसे। ओके सो ये वाली ट्रिक वर्क करती है यहाँ पे स्कूल के इस वाली लोकेशन पे। तुमको जस्ट कुछ नहीं करना है, इस वाली लोकेशन पे आना है, जो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ करनी है। देखो अगर यहाँ पे छुपना है, हाइड होना और बंदों को मारना है, उनको पता भी नहीं चलेगा एनिमीज को कि तुम कहाँ से मार रहे हो, तो ये वाली ट्रिक तुम्हारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज देने वाली है। एंड सर्कल में तो भाई तुम्हारे मतलब हम एडवांटेज ही देगी और तो क्या ही देगी। तो चलो यहाँ से तुमको फ्लाइंग पावर एक्टिवेट करना है, देने सामने जो लैंप दिखते हैं ना यहाँ पे तुमको जस्ट क्या करना है एडजस्ट करके इस तरीके से अपना FBB कर लेना और धीरे धीरे देखना तुम्हारे पैर यहाँ पे अटक चुके। जैसे अटक चुके तुमको लैंडिंग वाला बटन क्लिक करना एंड बूम बाम डायरेक्ट तुम यहाँ पे आके स्टे हो जाओगे। अब कोई भी बंदा यहाँ पे सोच नहीं पाएगा कि भाई तुम उसके ऊपर हो, एनिमीज तुम्हारे नीचे जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि तुम उनके ऊपर ही बैठे हो। अब देखो यहाँ पे लैंप के अंदर तुमको देख ही सकते हो यहाँ पे कौन सा बंदा देखेगा। अब देखो अगर कोई भी नीचे से भी बंदा आता तो उसको पता नहीं चलता, जैसा कि तुम देख ही सकते हो ये बंदा आ चुका है, इसको पता भी नहीं कि मैं इसके ऊपर ही हूँ। और EGPG तुम इसको मार सकते हो, चिकन निकाल सकते हो। और ये वाली ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ कर सकते हो। ओके देखा ऑल राइट, इस बंदे को भी मार दियो। तो ये वाली ट्रिक कैसे लगी वो भी कमेंट में बता देना, लाइक कर लेना यार। तो यार ये वाली ट्रिक मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। जैसा कि तुमको पता है कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे पेड़ों के पीछे छुपे रहते हैं, उनको मारना उसको मतलब उनको मारने के लिए तुमको उनके पास ही जाना पड़ता है, पर मैं बताऊंगा कि तुम दूर से ही कैसे मार सकते हो। मान लो सामने एनिमीज है, मान लो क्या देखो यहाँ पे सामने एनिमीज, अरे निकल जा भाई, ओए निकल, अरे निकल ले। ओके ये देखो सामने एनिमीज है, इसको मारने के लिए जस्ट तुमको क्या कामे हामे पावर यूज करनी है। देखो हमेशा कामे हामे पावर किसी भी दीवार या कोई भी पेड़ होता है ना उसके आर पार चली जाती है। जैसा कि तुमको मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, और यहाँ पे देखो ये बंदा पूरा का पूरा पिट गया। तो EGPG तुम चिकन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर दूसरी मतलब तुम जाओगे उसको मारोगे रिप्लेसन दिखाओगे, पता नहीं भाई तुम्हारा दिन खराब हो और मर जाओ, इस तरीके से मार सकते हो उनको। BGMI में डासिया UAZ और बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, पर यहाँ पे ये वाली यूजफुल कैसे है वो बताता हूँ। किसी भी गाड़ी के अंदर ड्राइव करो और अपने टीममेट को बोलो उस गाड़ी को फोड़ दे। अब देखो जैसे ही तुम्हारा टीममेट इस गाड़ी को फोड़ेगा या एनिमीज भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी की पूरी इस गाड़ी को जैसे फोड़ेगा तो तुमको क्या होगा देखना। अभी जैसे ये मैं अरे फोड़ देना भाई, और जैसे ये गाड़ी को फोड़ा मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। सीरियसली ये वाली ट्रिक तुम्हारे एनिमीज भी फोड़ेंगे तो भी तुमको डैमेज नहीं होगा। इवन ये वाली टी तुम मेरे टीममेट के POV भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने उसको मारा और उसको डैमेज भी नहीं हुआ, वो फटा भी नहीं और मरा भी नहीं। तो ये वाली ट्रिक यूज, मान लो तुमको जल्दी से जल्दी यहाँ पे नीचे तरफ उतरना है, तुम बहुत ऊपर हो, तो इसके लिए तुम्हें हमेशा यहाँ पे स्पीड पावर एक्टिवेट कर लो, देन यहाँ पे जंप मारते टाइम डैश मार देना। अब देखो जैसे ही तुम यहाँ पे लैंडिंग करोगे तो तुमको लगेगा तुम मर जाओगे, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी तुमको 1% का भी डैमेज नहीं होने वाला। तो ये वाली ट्रिक यूजफुल है क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे यहाँ पे ऊपर ऊपर जगह से कूदते रहते हैं, तो उनके लिए ये वाली ट्रिक बहुत यूजफुल है। तो ये वाली ट्रिक यूज कर लेना और कमेंट बताना कैसे लगे। तो करते हैं आज के वीडियो की लास्ट ट्रिक की बात। ये वाली ट्रिक वर्क करने के लिए तुमको जस्ट कुछ नहीं करना है, रूइंस के इस वाली लोकेशन पे आने, यहाँ पे बता दे कुछ सैनोक के अंदर होती है, हर जगह कर सकते हो वैसे तो मैं आगे बताऊंगा, पर तुमको क्या करना है ऐसे पेड़ ढूंढना है, उसके ऊपर जाना है, टहनी के ऊपर जाके जंप मारना है। देखो एक दो बार में नहीं होने वाला तो हमेशा यहाँ पे दूसरी बार तीसरी बार ट्राई मारते रहना। तुमको जस्ट सेंटर में जाके यहाँ पे एग्जिट मारना है एंड बूम बाम, जैसा कि तुम देख ही सकते हो पेड़ के अंदर अटक जाओगे। अब कोई भी एनिमीज यहाँ पे, कौन सा एनिमीज यहाँ पे सोच सकता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा भी होता है, और एनिमीज यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा ड्रेस वैसा ही है तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे पेड़ में सैनोक में भरे पड़े ऐसे पेड़, तो हर पेड़ में ये वाली ट्रिक वर्क कर सकते हो। सामने देखो पूरी तो जैसा कि देखा ये वाली ट्रिक यूज करके मैंने पूरे तीनों बंदों को मार दिया और इनको पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ पे। आपकी वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस पे लाऊं वो भी बता देना। बाय बाय।